जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे हनुमान, तेही के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों, रविवार का दिन 3 अक्टूबर, साध योग मघा नक्षत्र में आज आपकी कुंडली में सूर्य और केतु का प्रभाव रहेगा। चंद्रमा की छाया होगी, शुक्र बृहस्पति शनि की दृष्टि होगी। तुला राशि वालों के लिए सौभाग्य धन लाभ का योग। आज मघा नक्षत्र में सूर्य और केतु का प्रभाव आपके जीवन में बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी, भाग्य में धन संपत्ति का सुख और जीवन में खुशियों को बढ़ाने वाला सुंदर योग बना रहा है। क्योंकि सूर्य आपके लाभ स्थान का स्वामी है, जो इस समय बुध और मंगल के साथ द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। वहीं केतु धन स्थान में बैठा है शुक्र के साथ, तो आपके जीवन में धन समृद्धि सौभाग्य और लाभ का योग है। सूर्य आज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मघा नक्षत्र है। मघा नक्षत्र में सूर्य का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, जो आपके जीवन में लाभ का योग बनाता है। सूर्य के कारण ही आज आपके जीवन में भरपूर सुख मिलेगा। आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, भाग्य आपको उतना ही साथ देगा। हर परिस्थिति में आपके जीवन में लाभ और उन्नति का योग है। ये समय आपके जीवन में समृद्धि और धन को बढ़ाएगा, क्योंकि केतु और सूर्य का गोचर मघा नक्षत्र में आपको सुंदर, तेजस्वी और चतुर बनाएगा। आप अपने कर्म को करते जाएंगे, धन धान से युक्त आपका जीवन होगा। आज तुला राशि वालों के लिए बड़ी खुशखबरी और सफलता प्राप्त करने का समय है, क्योंकि आज शुक्र केतु के साथ द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है, जिसके ऊपर अष्टम में बैठा राहु का प्रभाव है। वहीं दूसरी तरफ आज चंद्रमा लाभ स्थान में उदय हो रहा है। कर्म स्थान का स्वामी है, पर लाभ स्थान में उदय हो रहा है। आज आपके भाग्य स्थान पर बुध, शुक्र और बृहस्पति का प्रभाव है। जब भाग्य में बुध का प्रभाव होता है, तो आपके जीवन की परेशानी दूर होती है। आपके जीवन में कुछ ऐसे घटना घटते हैं, जिससे आपका भाग्य बदलता है। कभी कभी आप महसूस किए होंगे, अचानक आपके जीवन में कोई शुभ काम होता है, अचानक ही आपके जीवन में लाभ का योग बनता है। आपके आत्मविश्वास बढ़ते हैं, उन्नति और तरक्की मिलती है। तुला राशि वालों के लिए आज बृहस्पति और शनि का प्रभाव भी आपकी कुंडली के सुख स्थान में गोचर कर रहा है। सुख स्थान जहां से जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ता है, वैसे जगह पर बृहस्पति का बैठना आपके जीवन में सुखों को बढ़ाएगा। और शनि के कारण, शनि कर्म का देवता है, यानी आपके मेहनत के अनुसार आपको फल देगा। शनि का प्रभाव आज आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शनि जो बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है, शनि जो बृहस्पति के साथ बैठा है, आपके जीवन में सौभाग्य का योग बनाएगा। क्योंकि लाभ स्थान का स्वामी होकर बृहस्पति अपने घर में बैठा है, जिससे उम्मीद से ज्यादा लाभ होता है। घर परिवार में खुशियां बढ़ती हैं, आप तेजस्वी और शक्तिशाली बनते हैं, आपके जीवन में कार्य सिद्धि होता है, आपके हाथों से शुभ काम होता है। तो यानी भाग्य को बदलने के लिए, अपने जीवन में तरक्की उन्नति प्राप्त करने के लिए जो भी चाहिए आपको प्राप्त होगा। आज सूर्य का प्रभाव और केतु का प्रभाव, सूर्य जिसके मित्र ग्रह चंद्रमा मंगल बृहस्पति हैं, अब बृहस्पति तो शनि के साथ बैठा है, जबकि मंगल सूर्य के साथ ही गोचर कर रहा है और चंद्रमा लाभ स्थान में उदय हुआ है, यानी सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ केतु जिसके मित्र ग्रह बुध, शुक्र, शनि हैं, अब शुक्र केतु के साथ ही गोचर कर रहा है, मित्र ग्रह है, धन स्थान में बैठा है। बुध द्वादश भाव में सूर्य और मंगल के साथ बैठा है, जबकि शनि बृहस्पति के साथ।
जब ऐसा योग बनता है तो आपके जीवन में खुशहाली बढ़ती है, आप सुखी होते हैं, एक नई शुरुआत आपके जीवन में समृद्धि सुख वैभव को बढ़ाता है। यानी आज आपके जीवन में खुशियां बढ़ेगी, आज आपके जीवन में सुख सुविधा बढ़ेगा, आज आपके जीवन में आनंद और आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होगी। ऐसा ही संकेत आज आपकी कुंडली से निकल रहा है। समय बेहतर है कुछ नया करने की इच्छा। कभी कभी इंसान किसी नए काम में भाग्य को आजमाता है, कभी कभी भाग्य उस नए काम में इंसान का साथ देता है और इंसान भाग्यशाली बनता है, सफलता का सुख प्राप्त करता है। तो आज का दिन शानदार है, अच्छे माहौल में अच्छे परिणाम मिलेंगे, तरक्की और खुशी मिलेगी, क्योंकि सूर्य मंगल और बुध के साथ गोचर कर रहा है, जो आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगा, आपको स्वाभिमानी बनाएगा। आप अपने मेहनत से बड़ी कामयाबी पाएंगे, धन संपत्ति के साथ मान सम्मान के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आज सूर्य और केतु के कारण आपका व्यक्तित्व भी शक्तिशाली और प्रभावशाली होगा, भाग्य समृद्धशाली होगा, यानी नौकरी व्यापार में लाभ मिलेगा, आप धन कमाएंगे। आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। ऐसा इसलिए कि राहु अष्टम में बैठा है। अष्टम भाव में जब राहु होता है या तो जीवन में सुख देता है या दुख देता है। जब अष्टम भाव में राहु होता है या तो आपको बहुत आगे बढ़ाता है या बहुत पीछे गिरा देता है। आज राहु की स्थिति अच्छी है क्योंकि राहु के ऊपर शुक्र की दृष्टि है, शुक्र आपके लग्न का स्वामी है। जब लग्न का स्वामी राहु के ऊपर अपनी दृष्टि डालता है तो आपके जीवन में चमत्कारिक काम होते हैं, आपके जीवन में आत्मविश्वास कार्य क्षेत्र में सफलता देता है, तो दूसरी तरफ आपकी लोकप्रियता बढ़ती है, मनोरथ की पूर्ति होती है, सुफल की प्राप्ति होती है, आप धनवान बनते हैं। तो दिन की शुरुआत भी अच्छी होगी, दिन भी अच्छा होगा, शुभ संदेश उत्साह उमंग से अपने जीवन में आप नए नए अवसर को पाएंगे। यानी आज आपके जीवन में सुख धन लाभ का योग है, उन्नति तरक्की का योग है, सौभाग्य भाग्य का योग है। आपके जीवन की परिस्थिति आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, आपके जीवन की परिस्थिति आपको भाग्यशाली बनाएगा। यानी हर तरह से आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ और सुंदर है। सबसे अच्छी स्थिति सूर्य की है क्योंकि सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं वो अच्छे पोजीशन पर आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, जो आपके जीवन में आनंद देगा, सुख देगा, प्यार को बढ़ाएगा। स्त्री के तरफ से भी आज आपको सुख मिलेगा, परिवार के तरफ से सुख शांति मिलेगी, मन चाही सफलता के लिए आप जो प्रयास करेंगे वो आपके घर में खुशियां लेकर आएगा, आपके जीवन में बदलाव होगा। तो आज का दिन हर तरह से आपके लिए शुभ है, सुंदर है। आज शुक्र बृहस्पति और शनि की दृष्टि है। शुक्र की बात करें तो शुक्र का मित्र ग्रह बुध शनि राहु। अब शनि तो बृहस्पति के साथ बैठा है, राहु के ऊपर शुक्र की दृष्टि है और बुध सूर्य के साथ बैठा है। यानी शुक्र के मित्र ग्रह भी आपकी कुंडली में आज अच्छा तालमेल बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के मित्र ग्रह सूर्य चंद्रमा मंगल, जिसमें चंद्रमा लाभ स्थान में है, मंगल और सूर्य द्वादश में बैठा है, तो बृहस्पति की स्थिति भी आज आपकी कुंडली में अच्छी है, जिससे आपके जीवन के नकारात्मक विचार दूर होंगे। अपने जीवन के हर कदम पर आप देखेंगे कि आपके भाग्य में बदलाव हो रहा है, आपके जीवन में लाभ हो रहा है। तो ऐसे समय में जीवन में सुख और धन दोनों बढ़ता है। आपके जीवन में आपका मेहनत रंग लाएगा, अचानक सुख और खुशी मिलेगी, भाग्य और लाभ में वृद्धि होगा, साहस और हिम्मत के साथ अपने काम को करते जाएं। तो समय शुभ है, भाग्य अच्छा है, आपके जीवन में तरक्की उन्नति का योग है। तुला राशि वालों, आज आपके लिए सूर्य और केतु बड़ा भाग्यशाली योग बना रहा है, जो संपत्ति में वृद्धि करेगा, लाभ की स्थिति बनाएगा,
आपके अंदर सकारात्मक सोच को बढ़ाएगा। एक अच्छे सोच के साथ आप मेहनत से काम करें तो तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, उन्नति होगी, समृद्धि और धन प्राप्त होगी। ये समय आपके जीवन के संघर्ष को खत्म करेगा, अनेकों क्षेत्र में आपको सफल बनाएगा। उन्नति, तरक्की, समृद्धि, धन से आप परिपूर्ण होंगे। ऐश्वर्य, सुख सुविधा आपके जीवन में बढ़ेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर भाग्य आपको आगे बढ़ाएगा। यानी समय भाग्य को चमकाने वाला, जीवन में सुख धन देने वाला बड़ा सुंदर समय है। ऐसे समय का तो उपयोग करना चाहिए। ऐसे समय में भाग्य के सितारे भी बुलंद होते हैं, आपके जीवन में लाभ भी होता है। तो तुला राशि वालों, विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग। 3 अक्टूबर रविवार का दिन, आसीन माह कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, सात योग मघा नक्षत्र, सूर्य और केतु का प्रभाव, चंद्रमा की छाया, शुक्र बृहस्पति शनि की दृष्टि। उत्तर दिशा की तरफ से अगर दिन की शुरुआत करेंगे तो आपके जीवन में बड़ा लाभ होगा, क्योंकि उत्तर दिशा में आज आपका भाग्योदय होगा। वहीं सात योग मघा नक्षत्र में सूर्य केतु का प्रभाव, जो आपके जीवन में सुख धन लाभ का योग बना रहा है, आपके जीवन में सौभाग्य और आपके भाग्य को चमका रहा है। आनंद और सुखी जीवन, आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति, आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे, मन की चिंता दूर होगी, दुख तकलीफ से मुक्ति मिलेगी, भय और संकट समाप्त होंगे। आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएं। अपने मजबूत इच्छा शक्ति, मजबूत इरादा, बुलंद हौसलों से अपने काम को करें, बड़ा लाभ होने वाला है, बड़ा सुख और धन मिलने वाला है। आज दिन की शुरुआत भी सुबह 4:42 ब्रह्म मुहूर्त में होगा, उस समय सूर्य के प्रभाव से आप प्रभावित होंगे। सुबह जब आप उठेंगे उस समय सूर्य जो द्वादश में है वो मंगल के साथ आपके जीवन में उन्नति का योग बनाएगा, आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, उस काम को आप तेजी से करते जाएं, आगे बढ़ने का कोशिश करें, आप देखेंगे सफलता आपको अवश्य मिलेगी, आपके जीवन में सौभाग्य और आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी और आज आपको उन्नति तरक्की का अवसर मिलेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:46 से 12:34। अभिजीत मुहूर्त में बृहस्पति की दृष्टि होगी, जो सुख स्थान में बैठा है, यानी अगर आप चाहें तो अपने जीवन में सुख और समृद्धि को बढ़ा सकते हैं, सुख के साधन बढ़ेंगे, आपके जीवन में लाभ होगा, उत्तम परिणाम मिलेगा, जिसके फल स्वरूप विजय मुहूर्त 2:08 से 2:55 के बीच आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। सौभाग्य का योग है, लाभ का योग है, तरक्की का योग है, उन्नति का योग है। लेकिन रात्रि 8:06 से 10:13 जब चंद्रमा आपको प्रभावित करेगा, लाभ स्थान में बैठा है, तो परिवार में खुशियां भी बढ़ेगी, दांपत्य जीवन में प्यार भी बढ़ेगा, व्यापार में धन भी मिलेगा, जीवन में उन्नति भी होगी और बहुत तरह के कार्य सिद्ध होंगे। आज ये तुला राशि वालों के लिए सबसे अच्छा समय सुबह 7:22 से 9:42 का है। उत्तर दिशा की तरफ से काम शुरू करें, जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। तुला राशि वालों, आज का राहु काल शाम 4:36 से 6:05। राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। सूर्य और केतु का प्रभाव है, मघा नक्षत्र है, सात योग है, रविवार का दिन है। पश्चिम दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर पिंक होगा और लकी नंबर 9 होगा, क्योंकि शुक्र बृहस्पति शनि, जिसमें शुक्र द्वादश में बैठा है, बृहस्पति चौथे घर में और शनि बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है, यानी आज 9 आपके लिए बहुत लक्की है। सूर्य और केतु का प्रभाव है, भाग्य तो बदलेगा, जीवन सुखमय होगा, आपके जीवन में आनंद, सुख और प्यार बढ़ेगा। आज जीवन में बड़ा प्रभावशाली आपका प्रभाव रहेगा, मान सम्मान के साथ धन कमाएंगे,
उन्नति और तरक्की पाएंगे। आज आप हनुमान जी का दर्शन अवश्य करें, हनुमान जी की पूजा करें। समस्त दुखों को नाश करने वाला, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने वाला, जीवन के संकट और दुखों को दूर करने वाला हनुमान जी का आशीर्वाद आपके लिए बड़ा भाग्यशाली होगा। तो हनुमान जी का दर्शन करें, मेहनत से काम करें, भाग्य बदलेगा, जीवन में सुख धन की प्राप्ति होगी। तो तुला राशि वालों, आज के लिए इतना ही। ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। तो तुला राशि वालों के लिए दिन शुभ है, समय अच्छा है, सूर्य और केतु का प्रभाव मघा नक्षत्र में आपको भाग्यशाली बना रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।